अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है, मेंबर पार्लियामेंट आदम खां को सीतापुर जेल से लखनऊ के मैदानता अस्पताल ले जाया गया। खबर तफसील से सुन लें। सोशल इंडिया न्यूज़ को हाफिज़ नईम मंसूरी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आदम खां को सीतापुर जेल से लखनऊ के मैदानता अस्पताल में भेजा गया है। आदम खां के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी लखनऊ के मैदानता अस्पताल में भेजा गया है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी दोनों कोरोना नामी वबाई बीमारी में मुबतला थे। खबर थोड़ी तफसील सुन लें। जेल महकमे ने बताया है कि आज उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी आदम खां साहब की। उनको और उनके बेटे को इतवार शाम 6:30 बजे लखनऊ के मैदानता अस्पताल में भेजा गया है और पुलिस की कड़ी हिफाजत के दरमियान भेजा गया है। आपको बतला दें कि आदम खां जेल में बंद हैं, सीतापुर जेल में बंद हैं, और उन पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यानी उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ पुलिस थानों में 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी वजह से आदम खां जेल में बंद हैं। उनकी तबीयत दो रोज़ से बिगड़ रही थी, इसलिए आज उनको सीतापुर जेल से निकालकर लखनऊ के मैदानता अस्पताल में भेजा गया है।